पहला फल गर्भ में नहीं जाना पड़ता, जो दर्शन करता। याद रखना, दर्शन के बहुत से प्रकार, एक आकर के अपनी फोटो खिंचाना, ये भी दर्शन चल रहा है। आजकल मंदिरों में ये ज्यादा चल रहा है, फोटो ना खींचे तो दर्शन नहीं माने जा रहे, रील ना बनाए दर्शन नहीं माने जा रहे। बुरा मत मानिएगा, तीर्थ स्थान रील का विषय नहीं है, रियल का विषय है। ऊपर बैठी हुई थी, अपने गुरु ने शिष्यों से पूछा तुम्हें क्या दिखाई देता। किसी ने कहा मुझे चिड़िया दिखाई देती, किसी ने कहा टहनी दिखाई देती, किसी ने कहा चिड़िया के पैर दिखाई देते, लेकिन बहुत बेहतरीन शिष्य ने कहा गुरुदेव मुझे तो सिर्फ इस चिड़िया की आंख दिखाई देती, मेरी लक्ष्य आंख है। वैसे ही भक्त का लक्ष्य भगवान होना चाहिए, साधक का लक्ष्य साप्त होना चाहिए। इसलिए आप जितने भी बद्रीनाथ में आए, यहां आपकी नजर सिर्फ नारायण पर राम करे स्थिता। शास्त्र कहते हैं जो बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करता है अनियति प्राप्त होती है। मात्र दर्शन से, पुरानी कहावत है बिना मरे मुक्ति नहीं, लेकिन ये दर्शन शास्त्र की मुक्ति है। जो दार्शनिक होता है उस दार्शनिक की दृष्टि से कभी पूछो कि मुक्ति का अर्थ क्या है, मुक्ति का अर्थ मरना नहीं है, मुक्ति का अर्थ है कि जीते जी मुक्त हो जाना, ये बद्रीनाथ से प्राप्त होता है। दूसरा लाभ है कि हम दर्शन मात्र से मुक्त, आपकी संसारिक आयु की गणना नहीं की जाएगी, ये आयु की वृद्धि है, ये तीसरा लाभ। चौथा लाभ, नाम जप का हजार गुना फल। भगवान महाराज जी, पूज्य बद्रीनाथ वाले महाराज जी अभी मंच पे कह रहे थे सहस्त्र गुना नाम जप का यहां हजार गुना फल है। आपने एक बार कहा राम से जाना गया, क्योंकि सहस्त्र कवच थे, 1000 कवच।